आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोला जाएंगे हैप्पी होली। दिखा रही मैंने कलर लगाया, मुझे इन्होंने लगाया, मुझे इन्होंने लगाने नहीं दिया। तुम कैसे कलर लगा रहे थे ना, ये मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ, तो यूं ही करना था ना मैंने। नहीं नहीं सॉरी भाई, मैं नहीं ऐसे कलर लगवाती, बट ये के हाँ तो आप मुझे कह भी तो सकते थे, मैं जाके लगाने लगूंगी, तूने लगाना तो लगा दे। खैर, आज के त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तो चलती रहती है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें दी है अभय सिंह ने, पलक ने, मनीष ने और यश ने। और मैं यश को यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपने जो वीडियो हम लोगों को पहले भी भेजी थी वो मैंने देख ली है, मौसम का मुझे पता नहीं है, तो चलिए अभी देखते हैं वीडियो। लेकिन टाइटल मौसम बता दिया ना, टाइटल बताना है अभी। देखें मेरे बताने के चक्कर में टाइटल भूल गई, बताया नहीं बताया। टाइटल है ब्रज की होली डॉक्यूमेंट्री 2021 वृंदावन होली बरसना नंदगांव एंड दाऊजी हुरंगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक स्क्रीन पर लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो कि वसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहां प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है, इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन में बिहारी जी और आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डाणा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनूठी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को ढप के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। अच्छा लग रहा है ना। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई क्विंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलिया करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं।
इतनी खुशी से मार दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी नेग दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी। और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव के गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। शाम को नंदगांव की हुरियारे ने यहां की रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं, और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। यार कुछ वैसे बहुत जोर से बीच में मार रहे हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है। इसके अगले दिन एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। और इसी के साथ ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्य के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। जहाँ ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं, और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। राधा वल्लभ मंदिर की सेवायत उन्हें रंगों भरी पिचकारी से रंग देते हैं।
ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही दाऊजी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं। यहां हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारे ने यह नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं, फुवारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिनों में लगातार नोकझोंक चलती रहती है। जिसमें हुरियारिनें झंडे को छीनने का प्रयास करती हैं, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिन झंडा छीनने में सफल हो जाती है। इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा संपन्न होता है। और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन हो जाता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की। भाई बात करें अगर आज इस होली की, तो होली का वैसे फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो है ना, जो हमने पहले भी देखी हुई वैसे शील्ड वाली, लेकिन हाँ लठमार, लेकिन मैं उसमें बात करें शुक्र है शील्ड के नीचे से पिंग लगे होते हैं, वरना कई महिलाएं ऐसी बीच में लगी जो बड़ा जोर का लगता है मार रही थी, क्रोध बाहर निकाल रही होंगी। लेकिन वाकई में वैसे ना कुछ को देखकर लग रहा था वो बहुत जोर से लठ मार रही है। लेकिन मैं कहूंगी कि आज की वीडियो में हम लोगों ने जो होली के डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे हैं, इससे पहले हम लोगों को सिर्फ वैसे नॉर्मल जो होली पिचकारियों से मारते हैं या कलर लगाते हैं उसके बारे में पता था, फिर उसके बाद हम लोगों को लठमार होली के बारे में पता चला, अब हम लोगों को ये जो नई होली के बारे में पता चला है, जैसे कि लड्डू वाली होली है जो कि बरसाना में होती है, फिर उसके अलावा जो जितनी भी लीलाएं हैं उनको अगर देखा जाए तो अभी तक याद रखा जाता है, होली को उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और जो लास्ट वाली होली थी जो कि हम कहेंगे ब्रज में थी और जो के बलराम जी के मंदिर में जो है वो उनको दाऊजी भी बोलते हैं ना, तो उनके बड़े भाई थे वो कृष्णा जी के, तो उनके मंदिर में जिस तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है वो एक बिल्कुल ही मैं कहूंगी कि डिफरेंट अनुभव था। वहां पे मैं बात करूँ ना, नीचे यानी कि जब वीडियो एंड हो रही थी तो नीचे जो पानी जिस तरह जमा हुआ हुआ था वो चीज काफी ज्यादा भिगो के मार रहे थे कपड़े को, लेकिन वो मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि उस टाइम यानी कि जब ये होली होती है कि वहां पे या तो पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता होगा या क्या नाम लेते हैं बंद करते होंगे के पानी जो है वो निकले ना, क्योंकि आसपास का एरिया में देख रहा था ना जब वो ड्रोन शॉट वहां पे दिखाया गया था तो वहां पे पानी नहीं था, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि वहां पे पानी जो है ना वो रोका जाता होगा होली वाले दिन। फिर उसके बाद जो है ना, मुझे जो आज इसमें एक वीडियो में जो नई चीज चली कि पहले जो है जो कृष्णा जी थे वो गए थे होली खेलने, फिर उसके बाद जो है वो राधा जी भी गई थी, फिर उसके बाद राधा जी गई थी, लेकिन लठमार होली के बारे में पता फिर चला ना हम लोगों के, लठमार होली कहाँ से स्टार्ट हुई,
वो सारी चीजें, बट ये कि लेकिन लेकिन मैं कहता हूँ लठमार में औरतों के भाई दोनों साइड पे, अगर मैं दाऊजी की बात करूँ वहां पे जो औरतें कपड़े फाड़ के मर्दों की उसी से उन्हें कोड़े मारती हैं, औरतों की सही बात है वो यार, कोई एक दिन तो होना चाहिए ना औरतों के पास भी, तो सही है। मैं तो कहती हूँ अच्छा, और जिन जिन के जो हस्बैंड तंग करते हैं ना वो उनके सामने और खूब दबा के उनको लगाए और बाद में हस्बैंड वही दिल में ग्रज रखे हैं। नहीं नहीं, घूंघट सबने देखो लिया। ये मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि अगर हम लोग देखें लठमार होली में देखें या फिर हम लोग ब्रज में भी जो उस होली के बारे में बात करें, तो सब खवातीन ने ऐसे मतलब घूंघट लिया हुआ था, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्योंकि आई एम श्योर कि उसकी भी कोई रीजन हो। अच्छा, मैं एक और जो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ठाकुर जी का मंदिर हमने पहले भी देखा हुआ, लेकिन वहां की होली की बात करूं तो वो भी जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसमें एक चीज जहाँ पे जो लेडीज जिस तरह घूम रही थी ना, तो मुझे वो वैसी पता नहीं क्यों, जिनके यूं बेशक वो मर्दों ने चोले पहने हो इस तरह की चोले कहते हैं ना, जो या औरतों ने पहने घूमते ना जो वो फूलते हैं ना, तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारी जैसे अगर हम उसमें ही बात करें, वो जब नवरात्रि होती है तो उसमें भी लड़कों ने पहने होते हैं, घूमते हैं तो वो जरा यू नो होता है ना, याद नहीं आ रहा मौसम किसके बारे में बात कर रहा है। अगर क्या नाम लेते मेरे सामने यहाँ पे चलते चलते आ गई तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। मैं आज ये बात बताना चाहती हूँ, मौसम तब तक ढूंढता है ये चीज, ये मर्द नहीं औरतों ने पहने हुए हैं, तो क्या लेकिन लहंगा पहना हुआ। हाँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं नवरात्रि में भी लड़कों के यहाँ से वो होता है ना खुला हुआ, तो घूमते हैं। अच्छा, ओके फाइन, आप लोगों को समझ आ गई होगी, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। बट आज मैंने गौरगोपाल दास जी की, जब मैंने सुबह मतलब अपना सोशल मीडिया ओपन किया, हाँ, तो वहां पर गौरगोपाल दास जी की एक बहुत ही अच्छी वीडियो आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। उसमें उन्होंने मतलब होली के लिहाज से उन्होंने बोला कि हर कलर यूनिक है, हर रंग की अपनी एक खासियत होती है, खूबसूरती होती है, लेकिन जब उसको इकट्ठे हवा में उड़ा दिया जाता है ना, तो वो सारे कलर एक हो जाते हैं, यानी कि उनमें यूनिटी आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और मतलब इंडिया की भी इसी तरीके से एक हम लोग हैं कि बात की जाती है कि वहां पर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, लेकिन उन सबका पर्पस जो है वो लाइफ में एक होना चाहिए, सर्व करने का मतलब हर चीज में। तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब यूनिटी आती है तो चीजें भी जो है वो अच्छी होना शुरू होती है, उनकी खूबसूरती भी इसी में है। तो मुझे उनका मैसेज बड़ा खूबसूरत लगा कि जिस तरीके से उन्होंने आम लोगों की जिंदगी को रंगों के साथ जोड़कर एक एग्जांपल दी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि होलिका दहन किस किस ने अटेंड किया था, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है कि होलिका दहन जो है वो हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होता है, मतलब जो कि शुभ मुहूर्त जिस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और आज तो भाई मुझे पता है कि आप सब लोगों के जो कपड़े हैं वो रंगों से भरे हुए होंगे, मे बी आप लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हो या शाम को सेलिब्रेट करना हो या फिर दिन में, तो ये भी जरूर बताइए। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो like, चैनल करें, वीडियो से।